10 दिन श्री गणेश हमारे घर में विराजित रहे और अब उनकी विदाई होगी। 10 दिन तक उन्हें प्रसन्न करने के हर प्रकार के जतन किए जाते हैं। कहीं कहीं पर श्री गणेश को 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन भी रखते हैं। उन्हें हर प्रकार का भोग लगाया जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। अब बारी आ रही है इस बात की कि उन्हें कैसे विदाई दी जाए। परंपरा अनुसार कहा जाता है कि श्री गणेश को उसी तरह विदा किया जाना चाहिए जैसे हमारे घर का सबसे प्रिय व्यक्ति जब यात्रा पर निकले तब हम उनके साथ व्यवहार करते हैं। आइए जानें कैसे करें श्री गणेश को विदा। सबसे पहले 10 दिन या 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन तक की जाने वाली आरती पूजा अर्चन करें, विशेष प्रसाद का भोग लगाएं। अब श्री गणेश के पवित्र मंत्रों से उनका स्वस्ति वाचन करें। एक स्वस्थ पाटा लें, उसे गंगा जल या गौमूत्र से पवित्र करें। घर की स्त्री उस पर स्वस्तिक बनाए, उस पर अक्षत रखें। इस पर एक पीला, गुलाबी या लाल सुसज्जित वस्त्र बिछाएं। इस पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखेरें। साथ में पाटे के चारों कोनों पर 4 सुपारी रखें। अब श्री गणेश को उनके जय घोष के साथ स्थापना वाले स्थान से उठाएं और इस पाटे पर विराजित करें। पाटे पर विराजित करने के उपरांत उनके साथ फल, फूल, वस्त्र, दक्षिणा, 5 मोदक रखें। एक छोटी लकड़ी लें, उस पर चावल, गेहूं और पंचमेवा की पोटली बनाकर बांधें। यथाशक्ति दक्षिणा, सिक्के रखें। मान्यता है कि मार्ग में उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसीलिए जैसे पुराने समय में घर से निकलते समय जो भी यात्रा के लिए तैयारी की जाती थी वैसे ही श्री गणेश के विदा के समय की जानी चाहिए। अब नदी, तालाब या पोखर के किनारे विसर्जन से पूर्व कपूर की आरती पुनः संपन्न करें। श्री गणेश की खुशी खुशी विदाई की कामना करें और उनसे धन, सुख, शांति, समृद्धि के साथ मनचाहे आशीर्वाद मांगें। 10 दिन जाने अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना भी करें। श्री गणेश प्रतिमा को फेंके नहीं, उन्हें पूरे आदर और सम्मान के साथ वस्त्र और समस्त सामग्री के साथ धीरे धीरे बहाएं। श्री गणेश इको फ्रेंडली हैं तो पुण्य अधिक मिलेगा क्योंकि वे पूरी तरह से पानी में गलकर विलीन हो जाएंगे, आधे अधूरे और टूट फूट के साथ रुकेंगे नहीं। श्री गणेश इको फ्रेंडली हैं तो उन्हें घर में विसर्जित कर अपने गमले में ये पानी डालकर हमेशा अपने पास भी रखा जा सकता है।